तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आप सबने जामा मस्जिद देखी होगी जो पुरानी दिल्ली के अंदर है, लेकिन क्या आपको पता है दिल्ली के अंदर एक मस्जिद और है जो बिल्कुल जामा मस्जिद की कॉपी है, बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह है, लेकिन साइज में थोड़ी सी उससे छोटी है, लेकिन है बिल्कुल उसकी कॉपी। मुझे पता है कि आप लोगों में से शायद ही बहुत कम लोगों ने वो मस्जिद देखी होगी, तो आज मैं आपको वही मस्जिद दिखाने लाया हूं। तो आइए मेरे साथ। तो आपको इन सीढ़ियों पर से जाना पड़ेगा, यहां से आप जब जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद आपको सबसे पहले तो एक ही दिखाई देगा, यहां पर कुछ लोग रहते हैं अभी, और उसके बाद यहां से आपको ये मस्जिद दिखाई देगी। लग रही है ना बिल्कुल सेम जामा मस्जिद, बिल्कुल कॉपी जामा मस्जिद है ये, और मैं भी आपको उसका सामने से व्यू दिखाता हूँ। जैसे जामा मस्जिद के अंदर तीन डोम है, ऐसे इसके अंदर तीन डोम है, यानी कि तीन गुंबद है, और सामने की तरफ दो मीनार हैं और दो छोटी मीनार हैं इसके दरवाजे पर हैं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल जामा मस्जिद की कॉपी है, सामने से जामा मस्जिद बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है। अभी मैं आपको उसको और पास से दिखाऊंगा। और यहाँ का अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर एक हौज है, ये देखिए आप, लेकिन अभी शायद ही वर्किंग में नहीं है। और जैसे जामा मस्जिद के अंदर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर वुजू वगैरह करते हैं, तो पहले के टाइम में इसमें भी ऐसे होता था, लेकिन अभी इसको शायद बंद कर रखा है। पहले आप एक बार इसको मस्जिद का व्यू देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई कहने की किसने बनवाई और कब बनवाई है। जो आप जगह देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ जहाँ पर ये मस्जिद है, दरियागंज में है ये जगह एक टाइम में दिल्ली राजधानी का दिल हुआ करती थी। तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसका नाम है ज़ीनतुन्निसा मस्जिद, और ये जो नाम है ज़ीनतुन्निसा मस्जिद, ये है औरंगजेब की दूसरी बेटी का नाम। और ये इस मस्जिद का नाम क्यों है, क्योंकि इस मस्जिद को बनवाया है औरंगजेब की दूसरी बेटी, जिनका नाम था ज़ीनतुन्निसा। उन्होंने इस मस्जिद को निर्माण करवाया है 1707 ईस्वी में। तो इस मस्जिद को बने हुए तकरीबन 400 से ज्यादा साल हो चुके हैं, और इसको औरंगजेब की दूसरी बेटी ने बनवाया था, जिनका नाम था ज़ीनतुन्निसा, और उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया है, और उनकी कब्र भी यहीं पर दफन है, वो जिनका नाम था ज़ीनतुन्निसा, औरंगजेब की दूसरी बेटी भी इसी मस्जिद के अंदर थोड़ा सा साइड में दफन है। मैं आपको अभी उनकी कब्र भी दिखाऊंगा। जो पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद है, जहाँ पर सब लोग जाते हैं आमतौर पर, वो तकरीबन बनी थी 1656 के आसपास में, और ये उसको थोड़ा सा बाद में बनी थी, 1707 ईस्वी में बनी थी ये, देखिए आप। लेकिन ये जो बनी है ना, बिल्कुल ये जामा मस्जिद कॉपी है, ये देखो आप, बिल्कुल सेम जामा मस्जिद की तरह बनी हुई है ये, सिर्फ इसमें साइज में फ़र्क है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कॉलोनीज है, मतलब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर ये मस्जिद हो गई, कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, ये देखिए। तो आप, तो मेरे को उसका पता नहीं है कि पहले के टाइम में कैसा होगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये सामने आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये आपको जीना दिखाई दे रहा है, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब इसी का जीना होगा मस्जिद का, क्योंकि अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ऐसा जीना होता नहीं है नॉर्मली, अगर आप देखोगे, ये देखो आप, तो इसकी बाउंड्री यहाँ तक नहीं होगी मेरे हिसाब से, यहाँ तक ये आगे भी होगा, लेकिन देखो यहाँ पर सब घर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पीछे बाउंडेशन भी नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है ना कि मस्जिद के पास फ़ौरन घर आ जाए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। तो यहाँ पर पूरे में तो सब घर बन चुके हैं सब, ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, तो ये पहले से मतलब ये घेरा हुआ है क्या नहीं है पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे सामने भी सब जगह आपको पूरी की पूरी सामने हवेली जा रही है, ये देखो आप सामने सब लोग रह रहे हैं, इधर सब जगह लोग रह रहे हैं इसमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मस्जिद का दूसरा नाम घटा मस्जिद भी है, इसको घटा मस्जिद भी कहा जाता है। और इस मस्जिद को बनवाने के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, और इसको उन्होंने अपने अख्तियार में ले लिया था, यानी कि वो इसमें मतलब बेकरी का काम करते थे, बेकरी जो मतलब खाने पीने का सामान होता है ना, उस काम में इस मस्जिद को लेते थे, इस जगह को लेते थे, और इसमें नमाज उस टाइम नहीं होती थी, उस टाइम इसको नमाज को रोक दी गई थी। ज़ीनतुन्निसा ने इस मस्जिद के अंदर अपनी कब्र बनवाई, और उनको 1721 में यहीं दफनाया गया था, लेकिन 1857 की घटना के बाद उनकी कब्र को वहाँ से मतलब पूरा तोड़ बोड़ दिया था, और जो उस पर संगमरमर पत्थर लगा हुआ था उसको निकाल दिया था, और तख्ते वगैरह जिस पर उनका नाम वगैरह लिखा था वो सब हटा दिया था वहाँ से। यहाँ पर उनका कमरा एक संगमरमर से बना था, वो पूरा तोड़ दिया, और जो यहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी एक, वो पूरी हटा दी गई। अगर आपको उर्दू आती है तो आप ये देखो, इस पर लिखा हुआ होगा सब कुछ, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये कब्र के आसपास, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस कब्र के आसपास चारों तरफ घर बने हुए हैं, और ये देखो आप, ये मेरे ख्याल से तो ये मस्जिद की जगह ही होगी, क्योंकि ये देखो आप एसी निकल रहे हैं, यहाँ सब पनाले, और यहाँ पे देखो आप कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, तो मस्जिद इतनी छोटी तो होती नहीं थी, और जहाँ पर मकबरा है ये, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पहले कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अभी इसकी हालत देख सकते हो, मुझे कन्फर्म नहीं पता कि, लेकिन इसको देखने के बाद तो मुझे यही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये सब चीज़ बाद में बनाई गई हैं। ये देखो आप, ऐसे मस्जिद मतलब पहले कहीं मैंने कहीं देखी नहीं है, पतली सी गली है, यहाँ पर घर हैं, और यहाँ पर ये मस्जिद है, तो ये बाद में बनाएगा।
तो फिलहाल मैं आ गया हूँ इसके अंदर। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद कलर का मार्बल लगा हुआ है और इसके अंदर संगमरमर लगा हुआ था जहाँ पर उनकी कब्र थी। और इस वाले पत्थर को भी बताते हैं कि संगमरमर है। और यहाँ से अगर आप इसका रुख देखोगे तो बिल्कुल आपको जाम मस्जिद में जो अंदर देखने को मिलेगा बिल्कुल वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इसके चारों तरफ देखो, आप इसकी सीलिंग देखो, मतलब सब कुछ वही है, बस इसका साइज़ का फ़र्क है। बाकी मैं आपको इस तरफ लेके जाता हूँ, इधर आइए आप मेरे साथ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल जो नक्काशी दिखाई देगी सेम जाम मस्जिद वाली नक्काशी है, और मतलब उससे ही कॉपी करा होगा क्योंकि उसके बाद ही बनी है ये, जाहिर सी बात है। यहाँ से आप देखो सामने दो तोते बैठे हुए हैं, खूबसूरत से लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं आपको। रुको मैं और जूम करता हूँ, ये देखिए इतनी मतलब दूर से मैंने कैप्चर कराया ना, फिर भी देखो कितना अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से है अंदर का रास्ता, अभी होने वाला है असर का टाइम, तो पहले पढ़ेंगे हम नमाज, उसके बाद करेंगे दोबारा उसको व्लॉग कंटिन्यू। तो यहाँ पे अभी हम आ गए अंदर नमाज के लिए, ये देखो आप, मतलब माशाल्लाह इसमें नमाज़ होती है अभी तक बिल्कुल कंटिन्यू अच्छे से नमाज़ होती है और काफ़ी लोग आते हैं। तो फिलहाल नमाज हो चुकी है, अब हो गया जाने का टाइम, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जाने वाला रास्ता। ये मस्जिद अलीगढ़ औरंगज़ेब की बेटी ज़ीनतुन्निसा ने 1707 में तामीर करवाई। ये मस्जिद के दालान 150x60 फुट और 7 मेहराब हैं। तो ये थी ज़ीनतुल मस्जिद जो मैंने आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।